अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपको एक नहायत ही ख़ूबसूरत बावलपुर के एक ख़ूबसूरत चौक का विज़िट करवाऊंगा इंशाल्लाह, और साथ ही साथ बावलपुर के कुछ जो रौनक है और ख़ूबसूरती है वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो अब हम रवा दवा हैं एक बहुत ही प्यारा और कदीमी गेट जो कि बावलपुर का है, और वहाँ पे पहुँच के इंशाल्लाह आपको और रास्ते में आपको ख़ूबसूरती भी दिखाते हैं हमारे बावलपुर शहर की, और फिर अख्तिताम करेंगे हम अपने उस चौक पे जो कि बावलपुर का एक कदीमी और साफ़ सुथरा और बेहतरीन चौक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वहाँ पे। व्यूवर्स, माशाल्लाह ये देखें मेरे बावलपुर शहर का, वन यूनिट वाली साइड से हम आ रहे हैं फरीद गेट की तरफ, और आज हम आपको दिखाएंगे बावलपुर का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत चौक फरीद गेट। और माशाल्लाह हमारे बावलपुर की ख़ूबसूरती ये चेक करें, कितना रोड कितने साफ़ सुथरे हैं और हरियाली, दोनों तरफ हरियाली, तो मज़ा ही कुछ और है हमारे बावलपुर का। तो सफाई सुथराई में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर बहुत ही आगे है। आपको विज़िट करा रहे हैं इंशाल्लाह बावलपुर के एक गेट का जिसका नाम है फरीद गेट, तो वहाँ पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे मुख्तसर सा विज़िट करेंगे और मुख्तसर सा एक व्लॉग आपको दिखाएंगे। इसके बाद बावलपुर में जितने भी गेट हैं, बावलपुर अंदरून शहर को जो बंद हो जाते थे रात के जो भी टाइम उस वक्त मुकर्रर होता था उस टाइम पे वो बंद कर देते थे, वो सब गेट की अलहदा अलहदा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और सारी तफसील बताएंगे इंशाल्लाह। इस फरीद गेट के बारे में ज़्यादा तफसील मुझे नहीं पता, तो कोशिश करूँगा कि इसकी तफसील कुछ लोगों से पूछूँ। तो हम पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह, पहुँच के तो फिर आपको दिखाते हैं फरीद गेट इंशाल्लाह। माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें क्या ही कमाल बेहतरीन, आप देख सकते हैं ये वीआईपी मार्केट भी बनी हुई है, और ख़ूबसूरती देखें, हरियाली देखें, कैमरे की आंख में आपको और तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप आके हमारे इस बावलपुर शहर का विज़िट करेंगे ना तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत, बहुत ही प्यारा शहर है हमारा। ये देखें कितनी गर्मियों में जब इन रोडों के ऊपर, रोड के ऊपर बाइक या गाड़ी के ऊपर बैठ के सफ़र करते हैं तो एक फीलिंग ऐसी होती है कि दिल करता है कि गाड़ी यहीं रोक के या बाइक रोक के बंदा बैठ जाए साइड पे, क्योंकि दोनों तरफ दरख्त हैं और घनी छाँव हैं, सफाई सुथराई का माहौल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो व्यूवर्स ये बस करीब ही है, हम पहुँच गए हैं फरीद गेट इंशाल्लाह, ये आपको दिखा रहे हैं। ये एक पार्किंग एरिया पे साइड पे लोगों ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए हुए हैं, ये सामने आपको दिखा रहा हूँ फरीद गेट बावलपुर, तो साइड पे स्टॉप करके मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह आप देख सकते हैं, आपको एक बावलपुर का एक बाबे फरीद गेट दिखा रहा हूँ आपको, सामने ये घड़ी लगी हुई है और उसके सामने फरीद गेट है, इसके अंदरूनी मनाजर भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, लेकिन अभी बैरूनी मनाजर इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, सातों के सातों गेट दिखाने हैं, सात हैं या छः हैं, जितने भी गेट हैं बावलपुर के वो सारे आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। ये आपको दिखा रहे हैं ज़बरदस्त, बहुत ही खुला चौक है, प्यारा चौक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना हर कोई काम में लगा हुआ है, और आपका भाई वीडियो बनाने में लगा हुआ है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं जी। तो व्यूअर्स ये आपको मनाजर दिखा रहे हैं हम फरीद गेट बावलपुर के,
अंदर गाड़ी जा नहीं सकती, नहीं तो अंदर भी आपको लेके जाते, बाइक पे अगर होते तो बाइक पे सफर करके दिखाते आपको। तो ये आपको दिखा रहे हैं प्रीत गेट बहावलपुर, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा और खूबसूरत चौक है हमारा। अब हम घूम के इंशाल्लाह जा रहे हैं वापस अपने तो व्यूवर्स ये देखें, ये रोड जा रही है हमारे मेन जो बस स्टैंड है वहाँ पे। तो फाइनली हमने आपको विज़िट कराया आज बहावलपुर के एक खूबसूरत गेट फरीद गेट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको विज़िट कराएंगे दूसरे जितने भी गेट हैं बहावलपुर के, उनका विज़िट कराएंगे। तो व्यूवर्स ये छोटा सा मुख्तसर सा आप व्लॉग आपको कैसा लगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्यारे प्यारे से व्लॉग में। दुआओं में याद रखना मेरे यूट्यूब चैनल बहावलपुर लेजेंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज को भी लाइक किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।